अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शेयर कर रही हूँ लेमन एंड पेपर चिकन। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला चिकन है, इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए एक बाउल में मैंने चिकन ले लिया है, इसको वॉश कर लिया और ड्राई कर लिया है। और इसमें हसबे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। अब इसमें काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च जो है वो साबुत लेके उसको मैंने खुद क्रश कर लिया है और वही ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करेंगे तो आपका चिकन सारा काला हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि क्रश्ड ही यूज़ करें। और इसमें लेमन ऐड करना है, लेमन भी ज़्यादा नहीं डालना वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 15 से 20 मिनट रख दें मैरिनेट करके। थोड़ा सा ऑयल में डाल के प्याज को फ्राई कर लेना है उसको। ये यहाँ से पता नहीं क्या हुआ, वीडियो बंद हो गई थी तो उतनी सी रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन सिर्फ यही है कि ऑयल में डाल के इसको प्याज को फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद इसको जब हल्का सा सौते हो जाए तो इसको हमने निकाल लेना है और इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। इसकी पेस्ट सी बना लेनी है, बहुत फाइन नहीं लेकिन इसकी पेस्ट बना लेंगे। अब उसी ऑयल में जो है मैंने हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन, जिसको हमने काली मिर्च नमक और लेमन लगा के रखा था, उसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। आग तेज पे फ्राई करना है, चिकन अपना पानी छोड़ेगा और हमने सारा पानी ड्राई करके इसको अच्छे से फ्राई करके निकाल लेना है। यहाँ पे ये देखें, ऑलमोस्ट चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तकरीबन 90-95% चिकन यहाँ पे डन हो गया और इसका जितना भी पानी छोड़ा था वो सब ड्राई हो चुका है पानी भी। अब उसी में पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें अपना जो ग्राइंड किया हुआ प्याज का पेस्ट था वो शामिल कर दिया है। और मैं इसमें अदरक लहसुन जो है वो मेरे पास पेस्ट पहले से बना पड़ा है, मैं वो यूज़ करूँगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अदरक और लहसुन को छील के प्याज के साथ ही फ्राई करके उसको भी ग्राइंड कर लें। तो ये मैंने ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये भी इसको हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद इसमें मैंने योगर्ट के 2-3 टेबल स्पून लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके अच्छी सी पेस्ट बना के उसको डाल दिया ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो। तो ये ऐड कर दिया है, इसको भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और फिर हम इसमें अपना जो फ्राई करके हमने चिकन निकाला है वो ऐड कर देंगे। तो ये अब मैंने इसमें अपना जो चिकन फ्राई करके निकाला था उसको डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और 1 टीस्पून गरम मसाला और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और मज़ीद डालेंगे। मैंने नमक जो है वो मैरिनेशन में भी डाला था, लेकिन इस पॉइंट पे आपने चेक कर लेना, चेक करके अपने हिसाब से जितना ऐड करना है वो ऐड कर दें। और ब्लैक पेपर भी मैरिनेशन में डाली थी लेकिन थोड़ी सी इसमें और ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू इसमें और आ जाए। अब ये ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है तो ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है, जितना थोड़ा बहुत जो कसर रहेगी वो भी पूरी हो जाए और हमें इसकी जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैंने इसमें पानी शामिल किया है। और अब इसको ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसको मज़ीद पकने दूंगी ताकि चिकन जो है वो पूरी तौर पर गल जाए और पक जाए। अब हमारा चिकन बिल्कुल यहाँ पे गल चुका है, लेकिन अभी इसमें ग्रेवी जो है वो ज़्यादा है तो मुझे कम चाहिए, इसलिए मैंने इसको तेज़ आँच करके पानी को थोड़ा इसको मैं सुखा लूँगी। तो 4 से 5 मिनट इसको हो गए थे पकते हुए। अब ये देखें, जो जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतनी तैयार हो चुकी है और ये अब हमारा चिकन रेडी है। इसको मैं निकालूंगी सर्विंग बाउल में, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है। तो इसको ट्राई करें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।